जिले के किसानों की नब्ज माने जाने वाले अमरावती जिला सेंट्रल बैंक में आज कांग्रेस की ताकत के बावजूद पूर्व मंत्री बच्चू कड़ू ने सफल खेल खेला और कांग्रेस के 3 वोट हासिल कर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। आज के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बच्चू कड़ू खुद चुनाव लड़ रहे थे और उपाध्यक्ष पद के लिए सहकारी समिति के नेता अभिजीत ढेपे चुनाव लड़ रहे थे। बच्चू कड़ू और अभिजीत ढेपे दोनों को 11-11 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की ओर से यशोमती ठाकुर और पब्लू देशमुख गुट के प्रत्याशी वीरेंद्र जगताप और हरिभाव मोहोल दोनों को 10 में से 10 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस को 3 वोटों का नुकसान हुआ और ये बच्चू कड़ू के खाते में चले गए। इसलिए कहा जा रहा है कि विधायक यशोमती ठाकुर के गुट के लिए एक झटका है। पिछले कई वर्षों से जिला बैंक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख का एक छत्र अधिकार था। बच्चू कड़ू ने जवाब दिया कि किसानों और निदेशकों को परेशान करने वाले हुकुम शाह की तानाशाही समाप्त हो गई है। मध्ये आमची काही फार हे नव्हती, पण जाणते लोक आमच्यासोबत होते। आमचे रवींद्रजी गायगुले, अभिजितजी, आनंदजी, दानेताई आहे, मेहकर आमचे दादा आहे पाटील, आणि मेहकर पाटीलजी, हे सगळे त्यांनी खूप मन लावून मग केलं। आणि दडपशाहीच्या विरोधात ही खरी निवडणूक विजय, कारण संचालकाला वाईट बोलणं, त्याच्यासोबत वर्तणूक वाईट करणं, वास्तविक पाहता या सगळ्या ह्याच्यामध्ये खेडीमेडीनं चाललो पाहिजे। आपले लोक आपलं घेऊन सोबत घेता आलं पाहिजे। तुम्हाला तुमचे लोकसोबत वागवता येत नाही हे दुर्दैव आहे, आणि ते का बरं वागवत याचं खरं तर परीक्षा करणं फार महत्त्वाचं आहे, त्याचं चिंतन केलं पाहिजे। आपण हुकुमशाहीनं आता चालत नाही हे या निवडणुकीनं दाखवून दिलं, का तुम्ही किती मोठ्या पक्षाच्या, किती मोठ्या याच्यापेक्षा तुम्ही लोकांसोबत कसं वागता, तुमच्या सवंगड्यासोबत, तो रात्रंदिवस तुमच्यासोबत होता, त्याच्यासोबत तुम्ही काय वागताय, त्याचे परिणाम आधी पाहतोय। आता ते करू, त्याच्यावर पहिल्या शेतकऱ्यावर लक्ष देऊ। अतिशय चांगल्या पद्धतीनं शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत मला वाटतं आपण पोहोचलो पाहिजे। अतिशय त्यांना आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे। आणि ही बँक शेतकऱ्याची आहे, बच्चू कडूच्या अध्यक्षतेखाली बच्चू कडूची नाही आहे, ही शेतकऱ्याची आहे। आणि मग शेतकऱ्याचं पूजन करूनच आम्ही आमचा कारभार सुरू करतो। NBC न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।